नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे तहरी। इसके लिए हम एक कटोरी चावल लिए थे और इसको हम धो लिए हैं, और धोने के बाद हम ये छन्नी में छान के और कम से कम 15-20 मिनट पहले हम रख दिए थे। ये देखिए हमारा कुकर गर्म हो रहा है और इसमें हम डाल देंगे तेल। इसमें हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं और इसको हम गर्म हो जाने देंगे। और ये फ्राई के लिए हम 4-5 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 3 खड़ी मिर्च और 2 पत्ता लिए हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा और ये डाल देंगे सभी मसाले हम, और ये थोड़ा सा हम चैली लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे। और ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये गोभी हम लिए हैं, थोड़ा सा हम गोभी लिए थे। और 1 हम आलू लिए थे, इसको भी हम डाल देंगे। इसको हम 2-3 मिनट भून लेंगे। इसको हम 2-3 मिनट भून लेंगे और हम 1 आलू लिए हैं, 1 टमाटर लिए थे और थोड़ा सा गोभी लिए थे, और इसको हम काट के और अच्छी तरह से धो लिए थे। धोने के बाद हम छन्नी में छान लिए हैं, इसका पूरा पानी निकाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे नमक। और इसको हम 5 मिनट भूनेंगे। चावल हमारा भून चुका है और देखिए कितनी अच्छी तरह से आवाज़ भी आ रही है। और इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर, हम 1 टमाटर लिए थे, इसको भी हम डाल देंगे। और इसको भी हम मिला लेंगे।
इसमें हम एक कटोरी चावल लिए थे और इसी में हम दो कटोरी पानी डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको पका लेंगे। ये देखिए हमारा कुकर का सीटी आ चुका है, हम गैस बंद कर दिए हैं और इसको ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए हमारा तहरी बन चुका है। ये देखिए हमारा तहरी बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।